आज आप लेबर ऑफिस में आए हो, आज किस लिए आए थे आप? मैं विजय कम्बोज, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष और जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ। हमारे यहाँ पे आरटीएस में जो कर्मचारी जो एम्बुलेंसी चलाते हैं उनको 12-12 घंटे का रोस्टर एक थमा दिया गया था, जिसका स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा ने विरोध किया था। और माननीय मंत्री जी की भी बात हुई थी उच्च अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा था चलो कोई बात नहीं, इसका बैठ के एसोसिएशन के साथ एक हल निकाल लिया जाएगा। हमारी उच्च अधिकारियों से भी इस बारे में बातचीत चल रही है तथा वो भी इसका कोई ना कोई बातचीत के द्वारा हल निकालना चाहते हैं। किंतु यमुनानगर जिले में शुक्रवार को एक ऐसा लेटर जारी कर दिया गया कर्मचारियों के लिए कि आप लोगों ने अगर ये नहीं किया तो आपके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की जाएगी, ये कार्रवाई की जाएगी, वो कार्रवाई की जाएगी। इससे पता लगता है कि अधिकारियों की मानसिकता केवल और केवल यहाँ पर कर्मचारियों को परेशान करने की है, या वो ये चाहते हैं कि कर्मचारी किसी न किसी रूप से परेशान होकर हड़ताल पर चले जाए और जनता परेशान हो। ये कर्मचारी शायद संविधान को नहीं मानते और संविधान को धत्ता बताते हुए कर्मचारियों को अनुचित रूप से प्रताड़ित करने का कार्य करें। इसलिए हम माननीय असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास आए थे कि वो इस मामले में संज्ञान ले और कर्म और अधिकारियों को इस बारे में चेताएं कि इस तरह से कर्मचारियों के हितों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। तो जब अधिकारियों के साथ उच्च अधिकारियों पर हमारी बातचीत चल रही है तो आप क्यों कर्मचारियों को इस तरह की चीज़ें करने को जबरदस्ती इस तरह की चीज़ें लागू करने के लिए कह रहे हैं? धीरे धीरे हर चीज़ का बातचीत से हल निकल जाएगा। अधिकारियों को मालूम होने के बावजूद कर्मचारियों को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए हम माननीय असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जी के पास आए थे कि वो इस मामले में थोड़ा सा संज्ञान लें और इस मामले को किसी न किसी तरह से यहाँ से सॉर्ट आउट, ताकि कर्मचारियों को भी परेशान न किया जाए। और हमारी जब उच्च अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लेबर कमिश्नर को लेटर लिखा हुआ है कि वो इस बारे में उनका मार्गदर्शन करे। जब उन्होंने ऊपर लेटर लिखा हुआ है तो उस लेटर का जवाब तो आने दो। उससे पहले उनको कौन सी जल्दबाजी चली हुई है या वो कौन सा अपना एजेंडा अधिकारी इसके पीछे सेट करना चाहते हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। और अगर उनका रवैया इसी प्रकार रहा और यमुनानगर में किसी भी प्रकार की आपातकालीन सेवाएं बंद होती हैं या कुछ और अलग से होता है तो हम इन अधिकारियों के ऑफिस में इनके घर के बाहर भी धरना देंगे। और जनता को अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो इसकी जिम्मेवारी केवल और केवल उस अधिकारी की होगी।